अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो आज है इतवार, तो आज मैं गया हुआ था पर मार्केट, तो वहाँ से मैं अपने आपके लिए एक चीज़ ले गया हूँ। मैं आपको कहा था ना कि हमारे पास तो एक ये तोते थे, इनका भी एक पेयर हमने हमारे पास से चले गया था, अब एक ही पेयर बचा हुआ है। तो हमारे पास जो था इनके जो थे वाइट कलर के जो थे इनके दोस्त, वो भी चले गए थे, तो उनकी जगह पे आज हम लेके आए हैं ये प्यारे डक्स के बच्चे। तो ये देखें आप कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह। हम ये लेके आए हैं, इनका एक पेयर लेके आए हैं, तो आप ये देखें कितने प्यारे हैं। अभी मैं आपको इनको नीचे छोड़ के दिखाता हूँ, ये देखो बहुत प्यारे हैं, ये देख सकते हैं। ये कॉर्नर कॉर्नर में जाते हैं, ये कॉर्नर में जाते हैं, तो बीमार को पानी पाते हैं, उनको तैरने के लिए इनके लिए कोई पानी का भी कोई बीमार को देखते हैं इनके पानी के लिए क्या करना है। तो हमारे जो बड़े वाले चूज़ हैं वो भी ऊपर, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर, तो आप अपने बड़े वाले चूज़ दिखाता हूँ ऊपर। तो अभी मैं आ चुका हूँ, तो ये देखिए ये हमारे बड़े चूज़े हैं। तो खुडे का काम भी वैसे का वैसा ही है, आप रात को भी बारिश आई थी, तो आज देखिए देख सकते हैं आप फुल गर्मी है, तो हो सकता है आज हम काम शुरू करें, तो इसका भी काम बहुत जल्दी है मैं पूरा करूँगा। दरवाज़ा भी आपको पता है इसका आ चुका है, दरवाज़ा भी आ चुका है, तो ये बहुत ही जल्दी अभी हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम नीचे जाते हैं, तो हम अपने डक्स को देखते हैं वो कहते हैं। ये देखे बड़े वाले चूज़े भी नीचे जा रहे हैं, ये भी उनको मारेंगे, तो हमें इनसे भी उन बतखों को बचाना होगा। तो देखिए हम फिर से अपनी बतखों के पास आ चुके हैं, देखिए कितने प्यारे बेबी हैं, बतख के बच्चे हैं, तो ये देखिए बहुत ही बच्चे प्यारे हैं। तो हम इनका नाम भी जो है ना वो भी बहुत जल्दी रखेंगे। तो अभी देखिए हम इनके कुछ इनके पानी के लिए खोज करते हैं, ताकि ये अपनी स्विमिंग उसमें कर सके। आपको भी पता होगा कि ये वो जो है पानी में रहते हैं, पानी में ज़्यादा खुश रहते हैं, वो देखें अभी वैसे भी ये बहुत खुश है, तो अभी इनको हम पानी में भी छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारे सेटअप से कहीं नहीं जाएगी, इंशाल्लाह ये हमारे पास ही रहेगी। तो इसके अलावा भी हम और भी चीज़ें लेके आएंगे, पहले आप मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और आपको अगर ये मेरे डॉग्स जो है ये प्यारी लगी होगी तो मैं लाजमी बताना, ये देख सकते हैं आप। तो अभी तो मुझे इनके स्विमिंग के लिए कोई चीज़ नहीं मिली, तो मैं इनके स्विमिंग के लिए कोई चीज़ रात में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा। और ये देखिए हमारे छोटे चिक्सिंग का भी मैंने दाना डाला हुआ है, तो ये भी बहुत ही देखो बहुत ही बड़ा हो गया, पहले जब आपने देखा था बहुत ज़्यादा छोटा था जब मैं लेके आया था, देख सकते हैं आप। आप ये भी देख सकते हैं ये भी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है, ये इस बच्चे के बगैर नहीं रहता है, ना ये बच्चा उसके बगैर रहता है। ये देखिए मेरे साथ ये बच्चा वाइड आ गया इसको देख के, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये देखिए ये डॉग्स के बच्चों को कुछ भी नहीं लग रही, देखे उनके साथ खेल रहे हैं। ये देखिए ये जो हमारे डॉग्स है ना ये उनसे बहुत ज़्यादा डर रही है, उनके लिए जुगाड़ लगा लिया है। ये देखें इसके बेहतर था इसके जिधर से पानी ड्रेम होता है उसके अंदर मैंने चीज बचा दिया, और ये देखिए पानी खड़े होने लापर था पड़ा है, तो अभी हम अपने जो बतखे हैं उनको यहाँ पर ला के इसके अंदर छोड़ते हैं, हम ले जाते हैं अपने बतखों को। ये देखिए हमारे बतखे अभी हम इनको पकड़ते हैं, अभी मैंने बतखे तो मैंने पकड़ ली हैं, तो अभी हम छोड़ते हैं इनको इसके अंदर। ये देखिए ये कितने यहाँ देखे ये कितना खुश हो रही है यहाँ, ये ज़्यादातर जो है ना ये पानी के अंदर जाते हैं, ये देखिए पानी के अंदर कितनी प्यारी लग रही है। और आपने इनका नाम दिया मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि मैं इनका नाम क्या रखूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं देखिए कितना खुश हो गए खेल रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर इनको इस पानी के अंदर ले जाने देंगे, देखें पानी के मेरी ये देखे कैसे अच्छी लग रही है। ये देखें हमारे डॉग्स ने हाथ लिया, अब ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी हम इनको बाहर निकाल देते हैं, तो फिर इनको कल फिर हम स्विमिंग करवाएंगे, तो
तो अब हम इनको ऐसे स्विमिंग कराते रहेंगे, तो इनको भी हम दाना ही डालेंगे। जो आप दाना डालते हैं भाई से हम पूछ के आए इनको क्या डाले, तो उन्होंने कहा था दाने डाले। ये देखिए अभी भी ये देखे बहुत खुश हुआ और नहा रहे हैं। ये दो है ना, इसलिए इनके लिए ये इतनी सारी जगह बहुत है। अगर ज़्यादा होती ना तो फिर इनके लिए ये जगह नहीं थी ठीक है, नहीं फिर हमें बोली। तो अभी ये फ़िलहाल इनके लिए ये बिल्कुल ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितना खुश हो खेल। ये मेरे डॉग्स को देखने के लिए ये भी आ गया है यूसुफ, तो ये भी देख रहा है हमारे डॉग्स को। ये देखे नहा के तो अभी बाहर आ चुके हैं। ये देखे माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। और मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें तो हाँ मैं इस तरह की चीज़ें ले आऊँ करूँगा। तो आप भी मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं और भी ज़्यादा चीज़ें लेके आऊँ और हम अपना छत पे पूरा सेटअप बना लेके, जिस वजह से हम हर एक चीज़ रखेंगे ऊपर। ये देखे अभी तो हम आस्ता आस्ता करके लेके आ रहे हैं ना। मैं जैसे ही अपने चीज़ें खोलता हूँ ना छोटे वाले, ये इधर आ जाते हैं इस कॉर्नर पे। बड़े वाले हो छोटे वाले हो, इस कॉर्नर में पता नहीं इनको क्या मिलता है जो इस कॉर्नर में आ जाते हैं। तो बहुत जल्द हमारे ये वाले जो पैरट्स हैं ये भी बच्चे निकाल देंगे। अभी तो इनके पास एक ही अंडा इनके पास बच गया हुआ है, बाकी सारे अंडे जो है इन्होंने खराब कर दिए हैं, कोई तोड़ दिए थे कोई फेंक दिए थे। तो ये देखें बस एक ही अंडा है इनके नीचे है, तो अल्लाह करेगा उसके अंदर से बच्चा निकल आएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो बहुत जल्द उसके अंदर से बच्चा निकल आएगा। कैलिंग तो मैंने कुछ दिन पहले की थी, तो एक ही अंडा ठीक था, तो इंशाल्लाह उसके अंदर से लाजमी निकल आएगा। तो देखिए अभी हमारे डक्स के बच्चे कितने खुश हैं। तो अब हमने उनको अभी तो हम लेके आए थे, तो उनको हमने थोड़ा सा खाना डाल दिया था दाना। तो अब मैं इनको यानी शाम को इनको डाइट डालूंगा, तो इनको डाइट में वो है कि दाना पहले दाना वगैरह ही डालूंगा। तो भाई ने कहा था इनको दाने डालना, या फिर ये देख सकते हैं आप। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और ये जो हमारे डॉग से बच्चे हैं तो आप इनके नाम कमेंट में लाजमी कर दीजिएगा, और ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कैसे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।